हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन देखेंगे प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली दो का, जिसमें हमने विलोपन विधि, इसके पहले विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो शायद आपको समझ आया गया होगा है ना, उसी से संबंधित अपन क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक जी। इस तरह से विलोपन विधि से अपन एक्स वाई का मान ज्ञात करते हैं, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं, है ना। और उसी प्रकार अपन प्रतिस्थापन विधि से भी एक्स वाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी की है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला प्रश्न, दो का पहला प्रश्न क्या रहता है। जांच कीजिए कि अ और व में कौन दिए गए समीकरणों के हल है, है ना। तो आपको हल बताना है, कैसे हल होगा बताएंगे। जैसे मान लो पहला प्रश्न दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन और नंबर्स दिया है ना, क्या दिया है, x इक्वल टू y इक्वल टू है ना। एंड नंबर नंबर क्या दिया है आपका, x बराबर एक और y बराबर तीन, ये दिया हुआ है, ठीक, y बराबर तीन। अब हमको क्या करना है, ये जो मान दिया है x और y के मान, इन दोनों मानों को ये देख के बताना है कि जो समीकरण दिया है उसमें ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, है ना। तो इसमें बताने कि ये दोनों समीकरण कौन से समीकरण का हल है करके बताना है। बहुत सारे समीकरण इसमें दिया गया है ना, जो हल है एक्स वाई के मान जो मिला है वो कौन से समीकरण के हल है ये आपको बताना है। जिससे पहला समीकरण देखते हैं, फर्स्ट नंबर दिया है इसमें, इसमें पहला एक्स धन वाई बराबर सात, ये दिया है एक्स धन वाई बराबर सात। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान को रख देंगे, है ना। और अगर मान लीजिए हल होगा तो दोनों पक्ष बराबर होगा, यदि हल होगा तो दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। और यदि हल नहीं होगा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, यदि हल होगा तो दोनों पक्ष बराबर होगा और यदि हल नहीं होगा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा, इस कंडीशन में, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलो अब यहाँ फर्स्ट नंबर अ बराबर दिया है ना, एक्स बराबर दो और वाई बराबर पांच, है ना। समीकरण एक में पद में वन, ये मान रख देंगे, ठीक जी। समीकरण एक में पद में वन, समीकरण में रख देंगे, समीकरण में दो आप है, समीकरण में पद में वन, तो ये एक्स बराबर दो और वाई बराबर पांच का मान हम समीकरण में रखेंगे, है ना। तो रखिए समीकरण क्या है, x के स्थान पर दो रखेंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे, सात। रख के देखते हैं, दो धन पांच बराबर सात आ गया, तो सात बराबर क्या है, सात, सात बराबर सात, ये क्या है, x बराबर दो y बराबर पांच, क्या है, दिए गए समीकरण के हल है, ठीक जी। अब ये हल होगा दूसरा हल हो ही नहीं सकता, ठीक जी, क्योंकि अगर x y के मान प्राप्त होता है ना, ठीक जी, तो सिर्फ एक ही मान प्राप्त हो, अलग अलग मान प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। इस स्थिति में क्या आपके बराबर आया तो इसका हल है, ये हल नहीं होगा आपका, ठीक। चलो मान लो मैं रख देता हूँ यहाँ पर, चलिए x = minus 1 y = plus 3 = 7, तो विपरीत चिन्ह इससे कटेगा, आपका दो बराबर सात बराबर है क्या, नहीं है ऐसा। तो कोई भी एक हल प्राप्त होता है ना, अगर मान लीजिए इसका नहीं होता तो इसका परीक्षण करके देखते हैं, ठीक जी। तो ऑलरेडी इसका हो गया तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, अतः x बराबर दो और y बराबर पांच दिए गए समीकरण क्या है, हल है, दिए गए समीकरण में क्या हुआ, हल है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, इस तरह आप मान रख के देखेंगे, है ना, जिस समीकरण में लाभ होगा वो समीकरण, उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नहीं थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, दो एक्स से तीन वाई बराबर एक दिया है, सब दिया है हमारे पास, ये मान दिया है ना। देखते हैं पहला मान रख, पहला मान रख के देखते हैं, है ना। तो इसमें डिस्टर्ब का समीकरण तो ये संभव नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, है क्या संभव नहीं है, चलो रख देते हैं, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है आपका, ठीक है जी। क्योंकि देखो ये मान इस समीकरण के
ऐसा नहीं रख भी दे रख सकते हैं ध्यान रखो है ना, एक्स बराबर दो और वाई बराबर पांच दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर ये मान हम क्या करेंगे, जो एक्स बराबर दो वाई बराबर पांच रखते हैं रख के देखते हैं तो दो गुना दो एक्स के स्थान पर जी यहाँ भी गुना का संबंध है, इन तीन गुना वाई का मान कितना है पांच बराबर हो गया ऋण ग्यारह, अब ये दो गुनी चार पांच तीन पंद्रह पंद्रह बराबर ऋण ग्यारह, पंद्रह में चार कितना आएगा ऋण ग्यारह बराबर ऋण ग्यारह ठीक, ये भी तो आ गया ठीक हल है यहाँ लिखेंगे अतः एक्स बराबर दो और वाई बराबर पांच दिए गए समीकरण के क्या है हल है, ये भी उसी का हो गया फिर इस तरह से, क्योंकि एक समीकरण के लिए एक ही समीकरण है, अगर दो समीकरण रहेगा तो एक्स वाई का मान एक ही रहेगा आपका, जैसे हमने यहाँ पर एक्स वाई का मान बटा दे निकल हुआ एक्स वाई का मान वही एक्स वाई का मान यहाँ पर निकल दो क्योंकि सिंगल समीकरण है ना, डबल समीकरण रहेगा तो जो एक्स वाई एक समीकरण में निकल दूसरे समीकरण में नहीं निकलेगा है ना, तो अगर सेम रहेगा तो निकल जाएगा आपका ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वैसा ही क्वेश्चन आप बना के देखेंगे, यदि मान लो इससे लागू नहीं होता है तो आप मान से लागू कर सकते हैं है ना, जैसे आप तो क्वेश्चन देखते हैं जैसे आप अभी थर्ड फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या है फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर है ना, फिर वही देखेंगे एक्स बराबर दो और वाई बराबर पांच रखने पर क्या रख दीजिए, पांच गुना एक्स का मान कितना हो गया दो धन तीन गुना वाई का मान कितना हो गया पांच बराबर चार ठीक, तो पांच गुना कितना हो गया दस पांच तीन पंद्रह गुना करेंगे ना इधर गुना इधर गुना तब जोड़ेंगे तो पांच तीन पंद्रह पांच गुना दस बराबर चार ये बच गया आपके पास पंद्रह दस कितना हो गया आपको पच्चीस बराबर चार, ये बराबर नहीं हुआ ये बराबर हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया ये मान लागू नहीं हो सकता इसके लिए समीकरण के उस मान को रखते हैं ठीक है, यदि x बराबर ऋण एक और y बराबर ऋण तीन रखने पर इसमें तो लागू नहीं हुआ, तो रख दीजिए यहाँ पर मान क्या आ जाएगा आपका पांच गुना ऋण एक धन तीन गुना तीन बराबर चार, अभी क्या बन जाएगा पांच एक पांच ऋण पांच हो गया है ना, और तीन दिया नौ बराबर चार, अभी नौ में पांच ऋण और धन है आप नियम जानते हो ऋण और धन है ऋण धन क्या होता है जुड़ता है घटता है घटता है, तो नौ में पांच गिन तो बचेगा चार चार और बड़ी संख्या चिन्ह धन है इसमें ये बराबर आया आया बराबर तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर कौन ये समीकरण नंबर ये वाला होगा तो लिखेंगे अतः x बराबर ऋण और y बराबर तीन समीकरण कौन सा समीकरण है पांच एक्स y बराबर चार का क्या है हल है ठीक, इस तरह से आपको बनाना है ठीक, ये क्लियर हुआ आपका ठीक जी, अभी नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा नंबर प्रश्न ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं जांचिए कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है, वैसे ही करना है और हमारे पास यहाँ पर दो दो समीकरण है ना, एक दो में कुछ जैसे यहाँ पर एक ही समीकरण थे यहाँ पर दो दो समीकरण दिए हैं, तो इसमें बिल्कुल अगर एक मान के समीकरण को दूसरा मान अलग होगा आपका, जैसे देखिए आपका इसमें दो दिया हुआ है ना अ नंबर दूसरा नंबर का अ नंबर दिया है एक्स बराबर तीन और y बराबर ऋण है ना, और b नंबर दिया है आपका x बराबर एक बटे दो और y बराबर कितना एक बटे तीन, ये हो गया आपका। अब चलिए इसको हमको बनाना है, दोनों इनको हम रख के देखेंगे, इसे पहला नंबर समीकरण दिया है ठीक जी, समीकरण क्या समीकरण दिया देखिए 2x दो एक्स धन पांच वाई
अब मैं क्या करूंगी, इसको पहले समीकरण को लेकर चलूंगा, है ना। अब एक चीज है, दोनों मान जो है दोनों समीकरण के लिए संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है ना जी। तब उस समीकरण को हम हल करेंगे, अदरवाइज उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब देखो ये वैल्यू तुमको दिया हुआ है, इस वैल्यू को हम यहां पर दोनों समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं रखता हूं यहां पर x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर देखते हैं समीकरण कहां से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 5y = 1। तो x का 5 और 20 में क्या करेंगे, x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 करने पर। अनुकूल जी अगर ये लागू नहीं होगा तो दूसरे वाले पर लागू करेंगे, x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 रखने पर, ठीक। यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना x बराबर 3, x के स्थान पर 3 रखेंगे, 5 गुना y के स्थान पर -1 रखेंगे, बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो 2 3 6 5 और माइनस और प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे करते हैं, चिन्हों को भी हमको गुणा करना है, तो धन गुणा ऋण क्या होता है, 3 होता है, और 5 + 5 बराबर क्या हो गया, 1। अब इसे को हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 1 बराबर 1, आगे बराबर, ठीक। ये तो हो गया। अब इसी मान को इस समीकरण के लिए भी संतुष्ट करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं क्या होगा समीकरण को, ठीक है। समीकरण 2 में भी x बराबर 2 और y बराबर, सॉरी, x बराबर 3 और y बराबर 1 रखने पर, ठीक जी। तो यहां पर भी x बराबर 3 और y बराबर 1 रखेंगे, फिर से जी पुनः, तो ये हो गया आपका, यहां लिख सकते हो पुनः, ठीक। तो ये मान लीजिए इसे हम इस समीकरण में रखेंगे, चलिए रखते हैं क्या हो जाएगा आपका, यहाँ रखा जाए क्या बनेगा आपका, 2 गुना समीकरण 2 में, तो समीकरण 2x + 3 ये दिया हुआ है, तो 2 गुना x मतलब 2 गुना x का मान कितना है, 3 धन, ठीक जी, और 3y, 3 गुना y का मान कितना है, ये बराबर कितना हो गया आपका, 3, ठीक जी। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 3 × 6 और माइनस और प्लस, यहाँ दोनों माइनस प्लस मिला के क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 3, तो बन जाएगा 6 × 3 का कितना बचेगा, 3, 1 बराबर, ये भी आ गया आपका बराबर, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसको, ये दोनों इसी बराबर है ना, अब दोनों समीकरण बराबर आ गया, तो ये दो मान है एक्स और वाई के मान, ये इस समीकरण में क्या होगा, हल होगा। यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 3 और y बराबर 1, है ना, दिए गए समीकरण के क्या है, हल है, ठीक जी। ये हो गया आपका मान, है ना। अब चलिए मान लो ये तो मान निकल गया x और y के मान, है ना, मतलब ये x y के मान निकल इक्वल है, अब ये निकल गया तो ये कुछ संभव नहीं है, आपको हो सकता है क्या, नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वो एक्सप्रेशन देखते हैं अपन, है ना, वैल्यू पुट करके देखेंगे। अब इस स्थिति में हो भी सकता है, अगर दोनों इक्वल आना चाहिए आपका, ठीक है जी, या लेकिन जांचें कि और दोनों कौन दिए गए समीकरणों के हल होगा, ठीक है जी। अब इनमें से आ नंबर दो दिए गए समीकरण के हल, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इस तरह से आपको जांच करने में दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, x धन y बराबर
पाँच एक्स वाई, और दूसरा है आपका तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर दिया है 13xy, ऐसा दिया हुआ है। इसको मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो का, ठीक है जी। अब चलिए इसको क्या करेंगे, है ना, ये तो दे दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे वही सेम टू सेम, चलो इसको रख के देखते हैं, ठीक है ना जी। अब तो इसको रख के, चलो मान लो मैं इसको रख के देखता हूँ, ठीक, तो क्या होगा देखते हैं। समीकरण एक में इसमें एक्स बराबर वन नंबर है ना, एक्स बराबर वन बाय टू और एक्स बराबर वन बाय थ्री रखने पर, ऐसा रखते हैं, चाहे भी इसको भी रख सकते हो, हर के बेच सकते हो, होगा तो है, और अगर मान लो हल प्राप्त इस तरह बराबर नहीं हुआ तो हल नहीं है लिखेंगे उसको, ठीक है जी। तो रखने पर हम चलो मैं किसी को रख देते हैं, है ना, आप चाहे तो इसको रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण लिख में रखना है, एक्स का मान कितना है, एक बटे दो, यहाँ पर लिखेंगे तो एक बटे दो समीकरण लिख दी, है ना। वाई का मान कितना है, एक बटे तीन बराबर पाँच गुना एक्स का मान एक बटे दो और वाई का मान एक बटे तीन, ठीक, एक्स गुना वाई है यहाँ पर ना, इमारत दी है। अब हो जाएगा तीन एकम तीन, दो एकम ऐसा, तीन एकम तीन, दो एकम दो, बटे कितना तीन दो में छः, इसको कहते हैं त्रास गुना, तीर्यक गुणन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाँच एक ऐसा गुना नहीं होगा इसमें तीर्यक गुना, तो धन या ऋण की अवस्था में कोई परिमेय संख्या होता है तब उसको हम तीर्यक गुणा करते हैं। यहाँ पर आरटी कोई परिमेय संख्या गुणा करते हैं तो तीर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर गुणा हो, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, एकम पाँच हो गया पाँच, बटे कितना हो गया छः, है ना, समझ आया। पाँच एकम पाँच और एक के साथ गुणा करेंगे तो वही होगा तीन दूनी छः, अगर गुणा की अवस्था में कौन से कौन से साथ करेंगे, हर को हर के साथ ही गुणा करेंगे, ये हो गया आपका तीन दूनी छः, तीन को और दो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा पाँच बटे छः, यहाँ भी पाँच बटे छः आ गया, तो यहाँ का उत्तर उसका बिल्कुल इक्वल है। अब उसी को हम इस समीकरण में सेटिस्फाई करके देखेंगे, है ना, अगर हो गया तो समीकरण दिए गए, समीकरण में दिए जो x और y के मान है वो दिए गए समीकरण में क्या होगा, हल होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, चलिए यही मान को दूसरे समीकरण में भी रखेंगे, ठीक है, ठीक। पुनः x बराबर एक बटे दो और x y बराबर एक बटे तीन, है ना, हाँ एक बटे तीन, समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो में रखेंगे, ठीक जी। तो समीकरण दो कौन सा है आपका, तीन एक्स धन दो y बराबर 13xy, ऐसा दिया हुआ है। तो तीन गुना एक्स का मान कितना होगा एक बटे दो, दो गुना वाई का मान कितना होगा एक बटे तीन बराबर 13 गुना एक्स का मान एक बटे दो और वाई का मान एक बटे तीन, हमने रख दिया। अब फिर से सॉल्व करेंगे, तीन एकम तीन बटे दो, दो एकम दो बटे तीन बराबर ये 13 एकम 13 ऊपर है ना, और तीन गुना कितना हो गया छः, ठीक जी। अब क्या करेंगे इसको, तीर्यक गुणा करेंगे, आधार समान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी परिमेय संख्या रहेगी अगर जोड़ रहे घटा रहे हो तो कहीं आधार समान है क्या देखेंगे, यदि आधार समान नहीं है तो तीर्यक गुणा करेंगे, और यदि आधार समान है उसको तीर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं है, जो आधार दे उसको हम लिख देंगे और ऊपर अंश में जो है उसको हम जोड़ या घटाओ, जो भी बीच में चिन्ह दे उसके आधार पर उसको हम प्रक्रिया करेंगे, ठीक। तो चलिए तीन दिया नौ, ऐसा तीर्यक गुणा, दो दूरी चार और तीन दूनी छः बराबर 13/6, यहाँ पर क्या है नौ चार कितना हो गया 13/6 बराबर 13/6 आ गया आपका, ये भी तो बराबर था, बहुत अच्छा आ गया था, कुछ बराबर, ये भी तो ये देखो ये भी और ये भी बराबर हो गया, मतलब इस समीकरण का हल वो है आपका x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 है, ये हल हो सकता, ठीक है, चाहे तो इसको रख के देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो भी संभव नहीं है, ठीक जी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 दिए गए समीकरण पे क्या है, हल है,
इस तरह से आपको जितना क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक जी, इसे तीसरे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको आप देखते हैं थर्ड नंबर, है ना। तीसरे नंबर प्रश्न क्या रहता है देखिए, आपको थोड़ा सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है तीसरा नंबर। दो एक्स ऋण तीन बटे वाई बराबर नौ, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या दिया है, तीन एक्स धन सात बटे वाई बराबर दो, ठीक है जी। ये हमने दो एक्स ऋण तीन बटे वाई बराबर नौ, तीन एक्स धन सात बटे वाई बराबर दो ऐसा दिया है। अब ये मान किसी दोनों में से कोई रखेंगे आप, है ना, ये इसमें लागू नहीं होगा, इसमें लागू करके देखेंगे, कोई भी कोई रखेंगे, है ना, कोई भी दोनों को देखेंगे, अगर इसमें नहीं हुआ इसको लागू हो जाएगा। ठीक है, और मान लो इसी में लागू हो जाता है ये, इसको आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना जी, तो चलिए रखते देखते हैं कौन सा हमें क्या पता। तो चलो देखो सिंपल्स में, चलो और नंबर को लेकर देखता हूँ, है ना। क्या है, एक्स बराबर तीन और वाई बराबर माइनस वन, समीकरण एक में रखने पर। ठीक, रखकर देखते हैं, तो दो गुना एक्स का मान कितना है तीन, इन तीन बटे वाई, वाई भी इसके लिए माइनस वन बराबर नौ हो गया आपका। ठीक जी, तो तीन दूनी छः और ये माइनस है, माइनस प्लस कम है प्लस, और तीन एक कम तीन, आठ तीन है बराबर नौ, तीन गुना छः तीन नौ बराबर नौ, तो तीन बराबर नौ। तो इस तरह से आप नीचे भी समीकरण में रख के देखेंगे आप, है ना। देखते हैं सिंपल सा, यहाँ भी मेरा लगभग इस तरह से लिखेंगे आप, है ना, x बराबर गुना करके गुना x बराबर तीन और y बराबर एक, समीकरण दो में रखने पर उसी प्रकार के गुना जैसे लिख सकते हो, है ना। अब चलिए यहाँ पर हो गया आपका तीन गुना x का मान कितना है तीन, ओके, देन सात बटे y का मान कितना है एक बराबर कितना हो गया दो। तो तीन, देखो तीन गुना नहीं, तीन तिया तीन तिया नौ, धन यहाँ ऋण और ये धन मिला के कितना हो गया तीन हो गया आपका, और सात का सात बटे दो एक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नौ में सात कितना बच गया दो, ये भी दो बात है आगे बराबर, तो यानी को क्या था एक बराबर तीन वाई बराबर इन्हें दिए गए समीकरण के क्या है हल है इस तरह से। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन है। बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि इस तरह से हल करने का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ठीक, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक, थैंक यू।